तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक मॉर्निंग सेटअप जो हमारा होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये कोर्स का वीडियो का है, कोर्स का पार्ट है एक किस्म से, लेकिन मैं इस वीडियो को अलग से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, जो कोर्स है हमारा उसमें बहुत सारा डीप नॉलेज जो है मैंने इस तरीके का दिया हुआ है। ये तो बस एक छोटा सा उसका एक जलवा है, छोटा सा पार्ट है। आप देखना आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है आज के बाद, सिर्फ इतनी छोटी सी वीडियो देखने के बाद। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्केट का देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मॉर्निंग में आज के बाद आप ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो। बस इस वीडियो को छोटा सा देखना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सोचिए कोर्स में कितना नॉलेज मैंने डीप यहां पर अभी इन्फ्यूज कर रखा होगा, जब यही वीडियो में इतना सारा है। तो मैं आज कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ आपको, मार्केट का सीक्रेट। ये आई डोंट थिंक कि आपको बताया होगा किसी ने और ना ही आपको पता होगा। तो आज देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी भी आप अगर एक बिगिनर भी हो तब भी ये वीडियो आपके लिए है। हमेशा मार्केट में क्या होता है, हम देखते हैं कि गैप डाउन हो गया तो एक रेड कैंडल दिखी तो सेल कर दो, या मान लो मार्केट में गैप हो गया ग्रीन कैंडल दिख गई तो बाय कर लो। ऐसा कभी नहीं करना है हमें। मैं इस ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधे मेन मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वैसे फ्री मैंने दिया है तो इसमें सीधे मेन बात करेंगे बस। तो जब भी आप मॉर्निंग में ट्रेड लेने जाते हो, हमेशा इस चीज सेंटिमेंट का एनालिसिस तो कोई करता ही नहीं है भाई साहब, कोई नहीं करता कि क्या सेंटिमेंट चल रहा है, बुलिश है कि बेयरिश है। भाई सबको तो बस कॉल लेना है, पुट लेना है। ये अप्रोच जो है अपनी अगर आप छोड़ के, और अगर सेंटिमेंट साइकोलॉजी पे लोग बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं, पर कोई भी सेंटिमेंट की बात करते, कि सेंटिमेंट क्या है, वो कैसे पहचाना जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी पे नजर रखनी। मान लो आप में से कोई भी है उसको लगता है कि भाई आज मुझे सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है, मैं सेल करूंगा, तो देखना है कि क्या सेलिंग साइड का सेंटिमेंट है भी दोस्त मार्केट का या नहीं है। वो कैसे देखा जाता है मैं आपको बताता हूं। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इट्स ओके। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कोई बात नहीं। गैप डाउन ओपन हुआ, कोई बात नहीं। सीधे तरीके से मैं इस, मतलब ये पूरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, बट मैं एक स्ट्रेटजी का आपको ये मान के चलो 20% बता रहा हूँ, सिर्फ 20% बता रहा हूँ इसका, देखो। और यही 20% अगर आपने सीख लिया तो आप न जाने कितने जो फालतू के लॉस कर रहे हो उनसे बच जाओगे। देखो ये जो है आप बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। मॉर्निंग में हमें ट्रेड लेने की पड़ी होती है, बट ये पता नहीं होता कि मार्केट जाना किधर चाहता है। अब ये है आपका 19 अक्टूबर का चार्ट, और ये भी मैंने 19 अक्टूबर का चार्ट लगा दिया। अभी हमको देखना है कि ये निफ्टी है, मैं यहाँ पर ड्राइंग भी कर लेता हूँ, ये निफ्टी है आपका और ये बैंक निफ्टी है। हम देखते हैं पहली दो तीन कैंडल जब बन रही होंगी मार्केट में, 5 मिनट की लगा लो या 10 मिनट की लगा लो या 15 मिनट की लगा लो, जो भी आपको लगता है। तो हमने एक चीज़ देखी कि जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ये इसका था डे का हाई, समझ गए सारे लोग, देख लिए सभी ने, ये इसका डे का हाई था, ठीक है। ये कैसे देखा हमें, हमने देखा कि मार्केट गया ऊपर, यहाँ से नीचे आ गया, और ये रहा आपका निफ्टी। दोस्तों ये जो नॉलेज है ना, मतलब चलो ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ तो इसको वैल्यू करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लेवल है निफ्टी का और ये है बैंक निफ्टी का लेवल। हम एक चीज़ नोटिस करी, निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक कर दिया, पर बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक नहीं किया। वो तो हमें दो तीन कैंडल में ही पता लग गया था, जब मार्केट यहाँ पर निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक करने जा रहा था और बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर ही नहीं रहा था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 100 के 100 दिन, लेकिन 100 में से 80 दिन, 80 डेज ऐसा होता है, 20 डेज ये फॉलो नहीं करेगा, 20 डेज हमें चाहिए भी नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ 20 डेज का हमें लेना देना नहीं, हमें 80 डेज हमारे सही चाहिए होते हैं। 80 डे भी ना हो, 70 डेज सही हो सर, बहुत काम हमारा बन जाता है। देखो हमने देखा कि भैया बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, गैप अप ओपनिंग हुई जो भी हुई, ठीक है। बैंक निफ्टी आप देखोगे अपना डे का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, वहीं पर निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक कर दिया। अभी मेरे पास बार रिप्ले होता है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बार रिप्ले का, देखोगे वो बार रिप्ले है नहीं, वरना इतना मजा आता आपको, पर वो मैं यहाँ पर जल्दी बार रिप्ले के थ्रू आपको समझाऊंगा। कोर्स के वीडियो में तो कह रहा बता ही रखा है, यहाँ पर बार रिप्ले के थ्रू समझाऊंगा। अभी तो चार्ट बन गया तो आपको लगेगा ऐसे ही करके देख लेते हैं। अब हमने देखा कि सर निफ्टी में तो डे का हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में डे का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे, मैं एक मिनट अपना ब्रश निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि जहाँ पर निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक कर दिया है और बैंक निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक नहीं किया है, और अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यार बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, इस तरीके से आपको एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। अब देखो ये समझने की बात होती है, अपना अपना तरीका है देखने का। हमने देखा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर के लिए, और निफ्टी ने तो दे दिया, तो हर कोई क्या सोचेगा,
हर कोई बंदा क्या सोचेगा यार, निफ्टी में तो ब्रेकआउट मिल चुका है और बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आने वाला है। गलती से भी कभी ये गलती मत कर देना, बैंक निफ्टी को बाई नहीं करना है। अगर निफ्टी ने अपना डे हाई कर दिया और बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये थोड़ी देर में निफ्टी भी डाउन साइड के लिए घूम के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो ऊपर के लिए मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो आप ये मान के चलो आप सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहो। इसका मतलब बैंक निफ्टी का आज गिरने का मूड है। निफ्टी में मत करो ट्रेड, लेकिन आप ये मान के चलो, ये थोड़ा एजम्पशन आप लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी में आज डाउन साइड का मोमेंटम आने वाला है। अगर निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी ने नहीं किया, तो ध्यान रखना, अगर निफ्टी ने डे हाई ब्रेक करा और इसने भी अगर अपना डे का हाई ब्रेक कर दिया, तब तो हम मानेंगे कि भाई आज अपर साइड का मोमेंटम आना पॉसिबल है। लेकिन हमने देखा तीन चार कैंडल बन गई, निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक कर दिया, बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है और कर ही नहीं रहा है, वहां पर कंसोलिडेट करने लगा, इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगा, तो ये मान के चलो कि आज आपको सेलिंग साइड का बहुत उम्दा ट्रेड मिलने वाला है। और मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। आप देखोगे थोड़ी देर में निफ्टी ऊपर गया और बैंक निफ्टी में एकदम स्वाहा। ऐसा नहीं कि ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी देखो आप, इतने एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट है कौन सा आपका, ये आपका 18 अक्टूबर का चार्ट और ये आपका 18 अक्टूबर का चार्ट। अब आपने देखना है कि निफ्टी ने जो है अपना यहाँ पर डे का हाई ब्रेक कर दिया भाई फटाफट से। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पर, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक यहाँ पर नहीं किया आज के दिन पे। बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक नहीं कर दिया, नहीं किया, और अगर निफ्टी ने डे का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये मान के चलो कि मार्केट में आज डाउन साइड का मोमेंटम आना कन्फर्म है। और डाउन साइड नहीं आएगा तो ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये डे का हाई इसके साथ साथ ब्रेक नहीं कर रहे निफ्टी के साथ। तो देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था निफ्टी में। तो खैर जो हुआ आपने देख ही लिया, बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो पूरा का पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज हो गया, कोई मोमेंटम नहीं आया, एक ही रेंज में जिगजैग किया। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ चार्ट पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। कौन सी डेट है सर हमारी, हमारी ये सर ये डेट देख लो आप नीचे 17 अक्टूबर, ये भी 17 अक्टूबर। हमने देखा कि निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है, देखो आप यहाँ पर निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है, ओके, एंड बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आज एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस है अगर ये साथ में ब्रेकआउट दे रहे हैं। साथ में ना दें, एक साथ कोई जरूरी नहीं है, पर अगर ये थोड़ा आगे पीछे ब्रेकआउट मिल रहा है, मान लो दो तीन कैंडल बाद बैंक निफ्टी में मिल रहा है, पर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो इसके बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं कि आज इसमें एक बड़ा मोमेंटम आने वाला। और आप देखोगे तो एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। आइए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, चिंता ना करिए, एक छोटी सी वीडियो है स्ट्रेटजी का, ये जो हमारा सेटअप है उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब आप देखो, आज के बाद आप फेक ट्रेड नहीं कर पाओगे कभी। अब ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक, ये चार्ट हो गया आपका बैंक निफ्टी का और ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पर अपना डे का लो ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, ये इसका डे का लो होगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये घूम के ऊपर यहाँ पर आ सकता है थोड़ी देर में। ऐसा नहीं कि एकदम घूमेगा, थोड़ा यहाँ नीचे जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल आज नहीं करने वाला बैंक निफ्टी, ये आप पक्का मान के चलो, क्योंकि निफ्टी ने डे का लो ब्रेक नहीं किया और बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब हमें सेलिंग साइड का, मतलब कुल मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आती हैं तो हमें कभी भी सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, और अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती है, एक हाई टूट गया, एक का नहीं ब्रेक हुआ, तो हमें कभी बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो फॉल सिग्नल क्रिएट करता है मार्केट आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट फॉल सिग्नल देता है, तो इन ट्रैप्स में कभी नहीं फंसने। आओ एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, ये दोस्तों डीप नॉलेज है, अगर जो लोग इस बात को मान रहे होंगे ना तो उनको समझ में आ गया होगा, सर आज तक हमारे स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होते थे मॉर्निंग में। अब देखो ये डेट है आपकी 13 अक्टूबर की और ये डेट है आपकी 13 अक्टूबर की, देख लिया सबने, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये था इसका ये लो, ये था लेवल मॉर्निंग का और ये था मॉर्निंग का लेवल, देखो आप क्या हुआ, निफ्टी ने अपना डे का लो तोड़ा, बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो तोड़ा, मान के चलिए एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है अगर दोनों एक साथ तोड़ रहे। और आप यकीन मानिए ये चार्ट मेरे पास बार रिप्ले नहीं है अभी दिखाने के लिए ना, वरना मैं इसको अगर कैंडल्स चल रही होती तो मैं आपको दिखाता कि कैंडल जब बन रही होती, आप देखो इसने डे का लो तोड़ा, बैंक निफ्टी ने भी डे का लो तोड़ा, मतलब एक मोमेंटम आने वाला, आप देखो उसके बाद क्या हुआ धूमधड़ाक से। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा दोस्त।
फिर मजा नहीं आएगा इस स्ट्रेटजी में। आप देखो, आप तो अब आप देखोगे यहाँ पर, ये रहा आपका चार्ट कुछ इस तरीके से, और ये रहा चार्ट आपका कुछ इस तरीके से। तो ये रहा निफ्टी का डे हाई यहाँ पर, और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये रहा निफ्टी का डे हाई यहाँ पर, ठीक, और ये रहा कुछ बैंक निफ्टी का। अब आप देखोगे बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है, निफ्टी भी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है, दोनों अपना डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर का मोमेंटम आज दे सकते हैं। हालांकि अब देखो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कहा मैंने, कहा कि बस भागना शुरू कर देगा, कहीं लोग सोच रहे हैं भागेगा, नहीं नहीं भागेगा नहीं, कुछ टाइम लेगा, लेकिन ऊपर का मोमेंटम आज पॉसिबल है। आप देखोगे थोड़ा रिट्रेस लिया और रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिला। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये रैंडम चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। तो ये रहा आपका, अच्छा एक मिनट, ये चार्ट कितना है, 10 अक्टूबर का है ना, और ये रहा आपका 10 अक्टूबर का चार्ट। दोस्तों ये लर्निंग अगर कोई आपको दे रहा होगा ना तो फिर तो बस देगा नहीं ना कोई बात, फ्री कॉस्ट तो कोई बताएगा नहीं आपको। अब देखो ये रहा निफ्टी का डे हाई, ठीक है, और ये रहा बैंक निफ्टी का डे हाई, 10 अक्टूबर का चार्ट है, ये 10 अक्टूबर का चार्ट है, देख लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है इस जगह पर, और बैंक निफ्टी भी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है। अगर डे का हाई दोनों में एक साथ ब्रेक हो रहा है, अब डे का मतलब ये नहीं 5 मिनट की कैंडल, ना 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 ना, ना 5 मिनट की कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, कम से कम 4-5 कैंडल या 5-6 कैंडल, मतलब ये मान के चलो जब तक 9:45, 9:30, 9:35, 9:40, 9:50 ये टाइमिंग रहेगी, ठीक है, मतलब जब 15 मिनट की 2-3 कैंडल बन जाए, मान के चलो आप सीधा सीधा सी बात। तो अगर आप देखोगे डे का हाई ब्रेक हो रहा है, और कब, मॉर्निंग वाले फेज में, मार्केट में 3 फेज होते हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में अभी तो नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन 3 फेज होते हैं, मॉर्निंग फेज, डे वाला फेज और इवनिंग फेज, आफ्टरनून फेज। मॉर्निंग फेज में मार्केट में मोमेंटम आता है, डे फेज में जो आपका डे वाला फेज होता है उसमें मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है, और आफ्टरनून में दोनों साइड अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी स्पेशल मैंने इसका नाम दिया है कि ये मॉर्निंग सेटअप है हमारा। तो अगर आप देखोगे डे का हाई ब्रेक हो रहा है मतलब कि मोमेंटम तय है अचानक, और आप देखोगे तो स्वाहा मार्केट एकदम हो यहाँ से। मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ लास्ट, बाकी तो आपको अगर आपको और मोर नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत डीपली बताया है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट गिरा यहाँ से, ठीक, मार्केट यहाँ से गिरा ना, अब मैंने क्या कहा 2-3 कैंडल तो बननी चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये रहा आपका निफ्टी का, सॉरी मैंने एक कैंडल लगा ली, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो एक मिनट इस कैंडल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले, कहाँ से हटेगी ये कैंडल यार, इसको हटाओ, चलो ये देखो आप यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक नहीं किया, किया निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना डे का लो ब्रेक कर दिया इस जगह पर। आप देखोगे बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, चलो अगर हम इसको यहाँ पर ना भी माने तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, तब भी बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक कर दिया, लेकिन निफ्टी ने आप देखोगे होल्ड कर रहा है खुद को, यही है सेम चीज यही है दोस्त, कुछ नई चीज नहीं है, कुछ भी नई चीज नहीं है। आप देखो निफ्टी खुद को होल्ड कर रहा है लगातार, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब क्या है कि ये फेक सिग्नल है, जो भी सेल कर रहा है उसका थोड़ी देर में स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 100 में से 80 दिन, 20 दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, 80 दिन टारगेट हिट होगा, ध्यान रखना, कहीं 100% एक्यूरेसी मत मान लेना इस बात को। और जो चीजें हैं इसके बारे में और जो फैक्ट हैं वो तो आपको जो कोर्स में वीडियोस हैं उसमें मिलेंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये नीचे इसने ब्रेक डाउन दे दिया बैंक निफ्टी ने, बट निफ्टी नहीं दे रहा था, निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे आया, मतलब बैंक निफ्टी फेक सिग्नल दे रहा है, कई लोगों ने पुट ले लिए होंगे, भाई देखो पहला अटेम्प्ट लगाया फेल हो गया, दूसरा तीसरा, इसका मतलब पक्का सेलिंग आने वाली है, लेकिन हम निफ्टी को देख रहे हैं कि वो तो लो ब्रेक कर ही नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो खुद को इस लेवल पर एक जगह पर अटका के रखा है, सस्टेन कर रहा है, मतलब फेक सिग्नल मिलने वाला है डाउन साइड के लिए। और आप थोड़ी देर में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, हल्का एक कैंडल बनाई और उसके बाद ऊपर, और बैंक निफ्टी देखो आप, मेरे रिटेलर भाई यहीं पर फंसते हैं, मैं आपको बताऊं यहीं पर फंसते हैं मेरे रिटेलर दोस्त सारे। तो दोस्तों ये तो एक एग्जांपल वीडियो थी, फॉर डेमो वीडियो, मॉर्निंग सेटअप मैंने आपको दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका यूज़ करना और मॉर्निंग में अपना स्टॉप लॉस हिट ना करवा के, प्रॉफिट करो ना करो लेकिन अपने आप लॉसेस से बचने वाले हो, और अगर इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कैसे किया जाता है तो आप
थोड़ा बैक टेस्ट करिए, और अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आपका इसी वीडियो में, और मैं आपको यही कहूँगा कि यार सीखिए, समझिए, लर्निंग लीजिए, ऐसे ही कूदिए मत किसी के बोलने पे, लर्निंग लीजिए। लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट, आप खुद सोचिए, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर 10-12 साल पढ़ाई करता है तब जाके डॉक्टर बनता है भाई। ट्रेडिंग में हमने देखा नहीं किसी को प्रॉफिट करते हुए, और एक महीने में डाला 1 लाख रुपये और मुझे इसके पैसे बनाने, नहीं बनेंगे दोस्त, नहीं बनेंगे। लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने इस कोर्स में आपको बता के रखिए। आपकी मर्जी अगर आपको ज्वाइन करना है। बाकी मिलते हैं आपको दोस्तों यूट्यूब वीडियो में।